हाय, तो आज बात करेंगे और एक आटे के बारे में। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में हो और अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहते हो एंड आप वेजिटेरियन भी हो, आपके पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है, तो आई थिंक ये आटा जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इट विल हेल्प यू। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ ये। और ये आटा बना हुआ है एलमंड फ्लोर, कोकोनट फ्लोर से और कुछ सीड्स से बना हुआ है, जैसे सनफ्लावर सीड्स एंड ऑल। तो ये है वो आटा, सो है ना, दिख रहा है आई गेस आपको, उसमें देखो इट इज फ्रॉम कीटो फाइव से है ये जो आपका बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया इंग्रेडिएंट्स। और इसमें काफी कम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अगर मैं पढ़ूं, इट इज गुड कॉम्बिनेशन। एंड जैसे मैंने बताया, आप इसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और ये एक आटा आपको आता है, आई बॉट इट फॉर सेवन, इट इज रिटन MRP 799, बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम Amazon में 495 के रेंज में आ जाता है ये आटा। पर चलता काफ़ी दिन है, आपको 2-3 महीने चला जाता है, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको यूज करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिल जाता है और आपका 2-3 रोटी आराम से बन जाता है, ठीक है। सो ये आटा तो टेस्ट वाइज व्हीट रोटी जैसा बहुत टेस्टी तो नहीं है, पर यस, हेल्थ के लिए अगर आप थोड़े दिन कॉम्प्रोमाइज़ करके ये आटा अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहते हो तो जरूर कीजिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जो मैंने भी जब खरीदा था या मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है जब वो आटा को बनाने में, गूंदने में। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे उसको गूंदना है, कैसे बनाना है, ताकि आप अच्छे से उसको पूरा पका कर खा पाए। बहुत टाइम मैं ये भी देखती हूँ कि कच्चा रह गया है आपका रोटी, क्योंकि आप बना नहीं पाए या उसको गूंद नहीं पाए, ठीक है। तो एक दो टाइम अगर आप कर लोगे प्रैक्टिस, तो आप देखिए 3rd या 4th बार आपका रोटी अच्छा ही बनेगा, लाइक अ नॉर्मल गेहूं का रोटी, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, और आपको नीचे दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर ये आटा डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बेसिकली इट इज फिलिंग रहता है, बिकॉज काफी स्वीट्स वगैरह भी है, तो यू विल नॉट हैव दैट कंसर्न कि मैं अभी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा हूँ तो मुझे, या ले रही हूँ तो मुझे भूख लग रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम शायद आपको ना हो, है ना। तो फॉर मी, मेरे लिए सही एक्सपीरियंस है, इवन मेरे क्लाइंट्स, वेजिटेरियन क्लाइंट्स मेनली काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। तो आइए रेसिपी देखते हैं कैसे बनता है। मैंने बर्तन में 2 चम्मच आटा ले लिया है, आप अपने हिसाब से आटा ले लीजिएगा। बस इसमें गुनगुना पानी धीरे धीरे डालकर इसको गूंदना स्टार्ट किया है। याद रखिएगा, पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर का जरूरत है, ताकि आपका आटा और रोटी दोनों सॉफ्ट बने। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको गूंदते रहिए। एक दो बार यूज करने के बाद आपको शायद पता चल जाएगा कितना पानी का जरूरत होगा इस आटे को गूंदने में। बस धीरे धीरे आपका डो रेडी हो गया इस तरह से, अब बेलना स्टार्ट किया है। ये जवार रोटी जैसा, अगर आपने कभी जवार रोटी बनाया है तो ऐसा ही बेलने से होता है, साइड साइड में फट जाता है। तो इसमें हमने एक शार्प गोल बर्तन से इसको काट लिया है, ताकि वो रोटी का आकार का आ जाए, तो आपको रोटी देखने में अच्छा लगेगा। बस गर्म तवा में आपको डालना है रोटी, जैसे आप नॉर्मल फुल्का बनाते हो वैसे ही आपको इसको सेक लेना है। मैंने काफ़ी धीरे से ये पूरा प्रोसेस को मैं दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले, अंदाज़ा लग जाए कि कितना टाइम लग रहा है इसको बनने में और फूलने में। बस आपका रोटी फूलना शुरू हो गया है। और इस तरह से आपका ये रोटी रेडी हो गया, ये देखिए। तो आइए और एक बार दिखा देते हैं आपको कैसे बनाना है।